अच्छा जी, अब हम वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ चले गए हैं। पहले पार्ट के अंदर हमने सप्लायर्स, ब्रांड्स, कैटेगरीज, सेल्समैन, आपके कलर्स और आइटम फाइल, ये 6 स्टेप वहां पे हमने देखे। इस जो पार्ट के अंदर हमने ट्रांजैक्शन लेवल पे आ गए। ट्रांजैक्शन लेवल में हमने जो चीजें सीखनी है, जो देखनी है, वो है हमारी परचेज, बारकोडिंग, सेल, रिपोर्टिंग और क्लोजिंग। तो परचेज, जो आप माल परचेज करते हैं, वो आप सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह परचेजिंग डालते हैं, उसकी तरफ हम चलते हैं। परचेज का एक लिंक यहाँ पे है और यहाँ पे आपका ये स्टॉक डेबिट नोट। परचेज और परचेज रिटर्न दोनों के ऑप्शन मौजूद है, लेकिन मैं परचेज बताऊंगा। जो परचेज रिटर्न है वो इसी की रेप्लीकेट है, सिर्फ उसका इफेक्ट आपका जब आप उसको फाइनलाइज करते हैं तो स्टॉक से लेस हो जाता है, ये स्टॉक में ऐड हो जाता है। तो ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को अगर आप जहन में रखें और अपनी इनवाइस को आप जहन में रखें, तो आपको एक चीज जो उसमें कॉमन नजर आएगी वो ये होगी कि आपके इनवाइस के 2 सेक्शंस होते हैं। ऊपर हेडर होता है जो आपके पार्टी की डिटेल आ रही होती है, उसकी इनवाइस की डेट आ रही होती है, इनवाइस का नंबर आ रहा होता है और उसका नाम आ रहा होता है, और उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें आइटम्स की, आपके आर्टिकल्स की डिटेल आ रही होती है। ये जो फॉर्म है ये भी इसी तरह का ही है। यहाँ पे ऊपर वाले में आपकी हेडर्स की इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपकी डिटेल की इन्फॉर्मेशन है। तो इनवाइस को शुरू करने के लिए हमने यहाँ पे देखें 2 एड्स हैं, कि ऊपर है एक नीचे है। अगर हम नीचे वाला ऐड का बटन प्रेस करेंगे तो वो हमें आगे नहीं जाने देगा, वो कहेगा जी कि आप ऊपर वाला ऐड पहले प्रेस करें। तो हमने यहाँ से पहले ये प्रेस करना है। यहाँ पे डेट आ जाती है कि किस डेट को आप बिल बना रहे हैं, वो सिस्टम यहाँ से देख लेते हैं, जो उसकी डेट आए वो यहाँ पे लिख देते हैं। रेफरेंस नंबर आपकी इनवाइस का नंबर होता है, जो पार्टी ने आपको इनवाइस भेजी है उसके ऊपर जो भी नंबर है वो यहाँ पे मेंशन कर दें तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है। रेफरेंस डेट में आपकी इनवाइस की डेट होती है, हो सकता है कि आपके माल पास माल पहुंचे हफ्ते को, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर ये मंडे वाले दिन डाल रहा है तो यहाँ पे तो मंडे की डेट आएगी और यहाँ पे आपकी सैटरडे की डेट आएगी। आगे स्टोर कोड है सॉफ्टवेयर का, यहाँ पे चल रहा होता है वो नंबर होता है। अगर आपके पास एक शॉप है तो एक ही उसका नंबर होता है 0000, अगर मल्टीपल शॉप है तो यहाँ पे 1001, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह हो जाता है। इसके बाद आ जाता है जी कि यहाँ पे आपके पास किस पार्टी से ले रहे हैं, किस सप्लायर से ले रहे हैं, ये उनकी लिस्ट आ जाती है। मैं सर्विस शूज सर्विस होलसेल वाले को क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सेव करता हूँ, ये सेव किया। इसके बाद मैंने यहाँ से ऐड किया। अब यहाँ पे हमारे पास उन आइटम्स की लिस्ट आएगी जो हमने आइटम फाइल में क्रिएट किए। अगर कोई ऐसा आर्टिकल जो यहाँ पे आपके पास फिजिकली पड़ा हुआ है लेकिन इस लिस्ट के अंदर नहीं आ रहा, तो फिर आपको एक मसला ये होगा कि आपको आर्टिकल पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसको क्रिएट करने के लिए अगर आप इसी जगह पे रहते हुए F11 की प्रेस करें, यानी कि जो आइटम कोड है यहाँ पे F11, तो आपके पास आइटम फाइल खुल जाती है। इसका एडवांटेज ये है कि आपको परचेज का पूरा वाउचर बंद करके तो नहीं जाना पड़ेगा। यानी कि अगर आप परचेज डाल रहे हैं, आपने 10 से 15 आइटम्स की इनवाइस है, आपने 6 से 7 आइटम्स डाले और एक आइटम उसके अंदर से मिसिंग है, तो आपको फॉर्म बंद करके पीछे जाने के बजाय यहाँ पे F11 की प्रेस करें तो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी कि आइटम्स को डालना कैसे है इसके अंदर। हमारे पास ये मल्टीपल आइटम्स है। एक तो तरीका ये है कि मुझे इनके कोड पता हो, जिस तरह मैंने कहा CL, मुझे कोड पता है तो ये आ गया। दूसरा तरीका ये है कि स्कैनर लगा होगा, स्कैन से स्कैन करूंगा तो भी आ जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि स्कैनर और कोड दोनों मेरे पास नहीं है या मुझे पता नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लिखी, ये शिफ्ट के साथ होती है, उसके बाद मैंने CL या डिस्क्रिप्शन जो नाम है उसमें से कुछ पार्ट यहाँ पे लिख दिया, एंटर की प्रेस करूंगा, जिनमें CL आता होगा वो लिस्ट आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। इनमें से एरो की से ऊपर नीचे जाकर या माउस से क्लिक करके एंटर की प्रेस करेंगे, 2 आइटम पीछे आ जाएगा आइटम कोड के अंदर, और यहाँ पे आप एक और एंटर की प्रेस करेंगे तो ये कास्ट प्राइस आ जाएगी। ये जो कास्ट प्राइस है बेसिकली जो हमने आइटम फाइल के अंदर मेंशन की थी, ये वो वाली कास्ट प्राइस आ रही है। इसमें अगर आपने चेंजेस करनी है, यानी कि पहले हो सकता है 2180 रुपए की आ रही हो, लेकिन अभी अगर आपको 2210 की आई है तो 2210 आपने लिखना है। अगर उतने में ही आई है तो आप उसको जाने दें। फिर यहाँ पे आप देखें कि आपने सिस्टम को बताना है कि ये जो आर्टिकल है ये किस किस साइज के अंदर आया है। आप ये नहीं कर सकते कि आपके पास 50 जोड़े हैं तो आपने 50 ही लिख दिया। तो जब 50 ही लिख देंगे तो पहली बात सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं करेगा,
दूसरी बात यह है कि अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको साइज वाइज पता ही नहीं चलेगा कौन सा आर्टिकल किस साइज में पड़ा। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने कहा 5 आए इसके, 6 और 6 इसके हैं, फिर 5 और 5 और 5 और इसके 3 आए। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो क्वांटिटी आई है वो 40 पीसेस की आई है। इस आर्टिकल स्पेसिफिक इस आर्टिकल के ऊपर अगर कोई डिस्काउंट मिला है तो वो आपने यहाँ पे 5% है तो 5% लिख दिया, अगर नहीं है तो यहाँ पे 0 लिखना है आपने। लिखने के बाद टैक्स का भी यही है, अगर है तो डालना पड़ेगा, नहीं नॉर्मल हमारी मार्केट में यूज नहीं होता इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। यहाँ पे आप देखें कि सेल प्राइस आ रही है, पहले इसकी जो कास्ट प्राइस थी वो थी हमारे पास ओल्ड कास्ट थी 2180 रुपए की और ओल्ड सेल थी 2195 रुपए की, क्योंकि हमने इसकी कास्ट प्राइस चेंज कर दी है 2210 कर दी है। अब जरूरी नहीं कि हम इसको करेंगे जी 3250 रुपए का हमने सेल करना है। यहाँ से हमने सेव किया, सेव करने से पहले अगर हम राइट साइड की तरफ इनके ऊपर जरा रोशनी डालें तो यहाँ पे तो इसका रेफरेंस कोड आ जाएगा, जो भी इसका आइटम का रेफरेंस कोड है। पैकिंग के अंदर इसके पैकिंग आ जाती है, शूज के अंदर एक ही पैकिंग होती है। इन हैंड जो जरूरी चीज है वो ये है कि ये आप परचेज डालने से पहले आपके पास पहले ये कितना मौजूद था, तो उसके बाद जो डिस्काउंट आपने यहाँ पे लिखा उसकी टोटल वैल्यू कितनी बनी, इस आइटम का इस स्पेसिफिक आइटम का कास्ट का टोटल कितना बना, सेल का टोटल कितना बना। तो हमने यहाँ से इसको फिर सेव कर दिया, सेव करने के बाद हमने दोबारा दूसरा आइटम डाला, आप देखें यहाँ पे इसका कास्ट का टोटल और ये इसका सेल का टोटल, दूसरा आइटम हमने आगे इस पे इसी तरह हमने अब इसकी कास्ट वैल्यू हमने नहीं डाली थी इसलिए ये जीरो आ रही है। इसकी सेल प्राइस हमारे पास थी 1200, हमने कहा जी कि ये हमें 870 रुपये का आया। कितने पीस आया जी, ये हमारे पास आया जी 5 5 5, ये 30 पीस आए हैं और यहाँ से हमने इसको सेव कर दिया। अब जब हम आते हैं जी एक्सेसरीज की तरफ, या कोई भी ऐसा आइटम जिसके साइज हमने नहीं किए, जिस तरह ये कीवी पॉलिश है इसके कोई साइज नहीं, हमने यहाँ पे जब इसको करेंगे तो हमने कहा जी कि ये हमारे पास आई है 190 रुपए की और पहले वाला जो इसमें बॉक्स है खाना है उसके अंदर ही हमने लिख देना है कोई साइज इसके नहीं है, हमने कहा जी 12 पीस आए हैं। तो इस तरह के आपने इनवाइस को अपने को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद अच्छा अब मैंने नो कर दिया था, अब मुझे ध्यान में आता है यार एक और आइटम इसके अंदर डालना है, उसके लिए फिर मैं ये करूंगा यहाँ से दोबारा ऐड करूंगा और एक जो भी आइटम मैंने डालना है वो मैं यहाँ से डालूंगा। अगर नहीं कोई आइटम डालना तो मैं यहाँ पे क्लिक करके नीचे आऊंगा और यहाँ से फिर इसको कैंसिल कर दूंगा। यहाँ पे आपके पास किसी को एडिट करना होगा वाउचर को लॉक करने से पहले पहले, तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे एडिट करेंगे तो एडिट कर सकते हैं। इसी तरह डबल क्लिक करेंगे डिलीट करना होगा डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह डबल क्लिक करेंगे आप तो आप ये एडिट भी कर सकते हैं डिलीट भी कर सकते हैं और मोर भी कर सकते हैं। मोर से मतलब ये है कि आप इसमें कोई मजीद आइटम डालना चाहते हैं आप ऐड भी कर सकते हैं। और अब देखें जब ये आपने खाली छोड़ा है आप इसको कैंसिल करेंगे तो नहीं करने देगा, इसलिए आपने कोई भी आर्टिकल यहाँ से सिलेक्ट करके ये सिलेक्ट कर दिया, एंटर की प्रेस की, अब इसको आप कैंसिल कर दें। तो ये तो इसकी हो गया। जब आपने इनवाइस इसमें डाली तो आपने सबसे पहले अपने इनवाइस को मैच करना है जो फिजिकली आपके पास हार्ड फॉर्म में आई है, वो ये है कि आपके पास जो नंबर ऑफ पेयर्स होने चाहिए, जूते होने चाहिए, एक्सेसरीज मिला के पूरी इनवाइस मिला के 82 होने चाहिए, आपने एक चीज ये मैच करनी। दूसरा जो आपका इनवाइस का टोटल बनना चाहिए वो ये वाला बनना चाहिए, ये दोनों चीजें मैच होगी। अब ये होगा कि आपने इनवाइस को आपने लॉक करना है, लॉक से मुराद ये अभी इससे पहले मैं आपको एडिट करके भी दिखा रहा था, अब एक चीज ऐसी आ जाए कि जिसके बाद इनवाइस आपकी एडिट ना हो, उसके लिए फिर ये है कि आपने यहाँ से इनवाइस को पोस्ट कर देना है। जब आप पोस्ट कर देंगे तो ये इनवाइस आपकी लॉक लग गई, आप इसको कोई भी बंदा अनऑथराइज पर्सन इसको एडिट नहीं कर सकेगा। अच्छा जी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप खुद इस इनवाइस को एडिट करें तो उसको एडिट करने के लिए आपके पास यहाँ पे फाइंड का बटन है, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास इनवाइस की सारी जितनी भी इनवाइसेस बनी होंगी, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही मैंने बनाई है तो वो एक ही आ रही है, अदरवाइज आपके केस में जितनी आप इनवाइसेस बनाई होंगी यहाँ पे उनके वाउचर नंबर जो सिस्टम जनरेटेड नंबर होगा और यहाँ पे आपके पास लिस्ट आ जाएगी, आप जिसपे भी क्लिक करेंगे और नीचे आपके पास है रिमूव पोस्ट अनलॉक करने के लिए, तो यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे BARCODES बार कोड, इसका भी करंट पासवर्ड चल रहा है वो है, और यहाँ से ओके करेंगे एग्जिट करेंगे, उसी तरह अनलॉक हो जाएगी। आप एडिट करना चाहें जो भी करना चाहें आप इसको कर सकते हैं, इवन कि अगर आप पूरी इनवाइस को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट का बटन दबाएंगे, इसका पासवर्ड आप डालेंगे ओके करेंगे तो आपको पूरी की पूरी इनवाइस डिलीट हो जाएगी।
अच्छा दोबारा मैं इनवाइस को पोस्ट कर देता हूँ। पोस्ट करने के बाद अच्छा इस फाइंड में दो तीन चीजें और देख लीजिएगा। अच्छा यहाँ पे एक तो ये है कि यहाँ पे अगर आपके पास सैकड़ों इनवाइसिस है आपको सर्च करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपको तो याद नहीं होगा कि कौन सी। उसका बेहतर तरीका ये है कि आप यहाँ से सप्लायर सेलेक्ट कर लें। ये मैं अगर करता हूँ इसकी कोई इनवाइस नहीं बनी थी, यहाँ पे कोई इनवाइस नहीं आएगी। इसी तरह मैं कहता हूँ सर्विस की है, सर्विस की हो जाए। लेकिन मैं कहता हूँ जी नहीं, जो यकम से लेके 20 तारीख तक बनी है वो इनवाइसिस आ जाए, कोई इनवाइस नहीं बनी। लेकिन यकम से लेकर 23 तारीख तक अगर जो बनी है वो आ जाए तो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये उसका अगर स्पेसिफिक वाउचर नंबर मुझे पता है, मैं कहता हूँ जी मेरे पास ये वाउचर नंबर है तो इस वाउचर नंबर की आ जाएगी, क्योंकि ये वाउचर नंबर है ही नहीं इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया, तो ये आ जाएगा। रेफरेंस नंबर इसका इनवाइस का नंबर है, अगर वो पता है तो मैंने यहाँ पे लिखना है तो वो आपके आ जाएगा। ये तो इसके फाइल इसके अंदर आप ये देखें लमसम डिस्काउंट था। लमसम डिस्काउंट मैं शायद आपको नहीं बताना भूल गया। लमसम डिस्काउंट ये अब ये 780 रुपए की, अब 780 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल गया। अब 780 रुपए का डिस्काउंट जब आपको मिला तो अगर आप यहाँ से एडिट करेंगे तो आप नहीं डाल सकते, इसलिए फिर दोबारा मुझे ये इनवाइस को रिमूव। डिस्काउंट मिला तब भी, या अगर इसके ऊपर बिल्टी या इस तरह के चार्जेस हुए हैं तो वो भी अगर आपने डालना है पूरी इनवाइस के ऊपर, सिंगल इनवाइस के ऊपर जो डिस्काउंट था वो यहाँ पे आपने डालना है, पूरी इनवाइस के ऊपर अगर कोई डिस्काउंट या टैक्स है तो यहाँ पे। लमसम डिस्काउंट है हमारे पास 780 रुपए का। यहाँ से लिखने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अभी देखें इसने कोई इफेक्ट नहीं किया। इसको इफेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ से पोस्ट करना पड़ेगा और ये मैंने पोस्ट किया था। अभी देखें 780, इसमें से रुपीज का फर्क आएगा रिवर्स कैलकुलेशन में, ये आप चीज ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब 780 की इसमें सारे आइटम्स के ऊपर डिवाइड होना है उसके मार्जिन से, तो वो आपको 1-2 रुपए का आगे पीछे फर्क महसूस होगा। अच्छा जी, तो ये इनवाइस हमारी कंप्लीट होने के बाद अगर हम कहते हैं कि इसका हमें प्रिंट चाहिए तो हमने यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे पास नंबरिंग आ जाएगी, जो भी वोचर है ये वाला वोचर नंबर जो भी यहाँ पे होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हमने नंबर का बटन प्रेस करना है तो हमारे पास प्रिंट आ जाएगा। ये आप इसका फॉर्मेट देख रहे हैं, इसके अंदर भी इसी तरह जो भी आर्टिकल्स होंगे उनके साइज और जो आपके विदाउट साइजेस होंगे उसके जीरो के अंदर उसने टोटल उसके साइज लिख के टोटल इनवाइस वगैरह यहाँ पे आपको प्रिंट कर देगा। अच्छा अगर इनवाइस में आप कहते हैं कि इस इनवाइस को साथ हमने पेमेंट भी करनी है तो पेमेंट करने का ये बटन बना हुआ है, यहाँ से आप पे का बटन जब आप प्रेस करेंगे ये सप्लायर पेमेंट्स का फॉर्म खुल जाएगा। तो यहाँ से आप इसको पेमेंट्स उसी तरह कर सकते हैं, यानी कि ये फॉर्म वहां पे जाके खोलने के बजाय आप यहाँ पे उसके शॉर्टकट है तो कर सकते हैं। इस पेमेंट्स के ऊपर एक पूरी डिटेल में वीडियो बनी हुई है अकाउंट्स के अंदर, सिंगल एंट्री अकाउंट्स के सेक्शंस के अंदर, तो वहां से आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। पर 8 नंबर के ऊपर जो हमारा स्टेप है वो है बार कोडिंग। बार कोडिंग शूज की शॉप के ऊपर जो इसका डब्बा होता है उसके ऊपर भी लोग बार कोड यूज करते हैं और कुछ लोग बार कोड शूज के ऊपर यूज करते हैं, और कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो डब्बे के ऊपर भी यूज करते हैं और जूती के ऊपर भी बार कोड यूज करते हैं, इसलिए वो डिफरेंट साइज के बार कोड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अंदर डिफरेंट साइज भी होता है और डिफरेंट उसकी सेटिंग्स भी हो सकती है, यानी कि आप स्टिकर एक ही यूज करें लेकिन जो डब्बे के ऊपर लगाए हैं उसका डिजाइनिंग मुख्तलिफ हो और जो जूते के ऊपर लगाए हैं उसके मुख्तलिफ हो। फिर हम इसके अंदर ये भी देखेंगे अगर हमने एक आइटम का बार कोड निकालना है तो उसको किस तरह बार कोड निकालेंगे, और अगर हमने पूरी इनवाइस के बार कोड निकालने हो तो वो हमने किस तरह प्रिंट करने हैं। तो सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ते हैं। साफिर में बार कोड का जो लिंक है जो शॉर्टकट है वो यहाँ पे है और जो इसकी एक्चुअल पाथ है वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्लिक कर लें। अब आप देखें कि यहाँ पे ये फॉर्म खाली है, इस फॉर्म के अंदर आपने यहाँ से ऐड का बटन प्रेस करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने सारे आइटम्स की लिस्ट आ जाएगी। इसके अंदर अगर तो आपके पास कोड आपको मालूम है, जैसे मिसाल के तौर मैं 02 लिखना शुरू करता हूँ तो ये मेरे पास एक लिस्ट आ जाती है। मैं इसको बोल के खत्म करता हूँ पहले, उसके बाद कर दे देंगे 02 मैंने किया तो ये आ गया। इसके बाद जब मैंने एंटर की प्रेस की तो वो नीचे साइजेस के अंदर आ गया। उसने कहा 36 के कितने स्टिकर निकालने हैं, 37 के कितने निकालने हैं, तो जितने स्टिकर मुझे निकालने हैं वो मैंने यहाँ पे लिख देने हैं। एक चीज ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो बार कोड की क्वांटिटी यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका आपके स्टॉक के साथ कोई तल्लुक नहीं है। हो सकता है कि आपने किसी आर्टिकल के 200 पीस परचेज किए हो
लेकिन जो डिस्प्ले में आप लगा रहे हैं वो टोटली आप 10 पीस लगा रहे हैं, तो आपने 10 का स्टिकर निकालते हैं, तो वो जो स्टॉक है 200 का, वो 200 का ही रहेगा, उसमें कमी पेशी नहीं होगी, ये स्टिकर है। और ये भी हो सकता है कि एक चीज के आपने 10 पीस लिए, 10 स्टिकर निकाल लिए, लड़कों ने निकालते हुए 2-4 स्टिकर इसके गुम हो गए, तो आप दोबारा उसके स्टिकर निकाल सकते हैं। इसलिए इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि शायद ये क्वांटिटी कॉपी कम या ज्यादा करे, ये जस्ट एक बार कोड की प्रिंटिंग है, आप जितनी मर्जी या मरतबा चाहे आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से आपने सेव किया, सेव करने के बाद आपने दोबारा ऐड किया, दूसरा आइटम आपने डाला। अच्छा, जो दूसरा आइटम है उसका मुझे कोड नहीं पता, मुझे इतना पता है कि उसके नाम के साथ CL आता है, तो जब भी मैंने नाम के साथ सर्च करना है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो स्लैश फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद उसका थोड़ा सा नाम लिखना है, उसके बाद मैंने इसको एंटर क्लिक की प्रेस करनी है, तो उसने जहाँ पे भी CL आता है, आप ये नोट कर रहे हैं CL से स्टार्ट हो रहा है या CL इसके अंदर कहीं भी आएगा, तो वो उसको सिलेक्ट कर लेगा। इसके बाद मैंने इसी तरह एंटर प्रेस किया, ये किया और यहाँ से मैंने इसको सेव किया। अब सेव करने के बाद अब मेरे पास बार कोड प्रिंट करने के मुख्तलिफ ऑप्शन है, यहाँ पे बहुत से ऑप्शन इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन आज का जो हम मोस्टली यूज कर रहे हैं उसका मैंने आपको बताना है, वो ये है हमारे पास TSE TDP। इस पे आपने क्लिक करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है TSE पे। यहाँ पे TSE पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आपकी कमांड यहाँ पे TSE पे चलेगी। ये TSE पे इसलिए चलेगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक प्रिंटर इंस्टॉल किया हुआ है। इस प्रिंटर का नाम ये आप देखें, अगर यहाँ पे मेरे पास जो TSE है ये, इसका नाम और जो यहाँ पे आ रहा है वो इसका नाम दोनों का सेम होंगे। अगर मैं ये अब मैंने इस प्रिंटर का नाम चेंज कर दिया, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, अक्सर लोगों को ये मसला आता है कि जब वो इस पे क्लिक करते हैं तो वो कहते हैं प्रिंटर ड्राइवर इज नॉट बीइंग स्पेसिफाइड। उसकी वजह ये होती है कि जो सिस्टम के पास प्रिंटर का नाम आ रहा होता है और जो आपके यहाँ पे सेव हुआ हुआ है, इसके नाम में फर्क है। तो जब ऐसा केस हो तो इसके लिए एक और मेरे पास यूटिलिटी है, वो यूटिलिटी यहाँ पे आपने देखनी है, इसका लिंक भी सेंड कर दूंगा, ये TSE, इस पे आपने क्लिक करना है। ये पूरा एक बार कोड का लेबल डिजाइन कर दिया, इसकी भी लादा वीडियो बनी हुई है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे वीडियो देख लेंगे। लेकिन इसमें सिर्फ मैं आपको छोटी सी चीज बता दूं कि यहाँ पे आपने क्लिक करना है सिलेक्ट प्रिंटर में, यहाँ पे प्रिंटर की लिस्ट आ जाएगी, लेट्स सपोज हमने ये वाला सिलेक्ट करना है, यहाँ से ये सिलेक्ट करके ओके कर दिया। उसके बाद जब स्टिकर की कमांड, अब मैं अगर इसको देखें यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे ऑलरेडी वही नाम आ रहा है जो मैंने इधर चेंज किया, तो मैंने TSE पे क्लिक करना है। अब उसने मजीद स्टिकर्स की कमांड दे दी, यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ ये सारे डॉक्यूमेंट्स को, ताकि वो प्रिंट में मसला ना करे। अच्छा, ये चीज आप भी ध्यान में रखिएगा, अगर आपने कमांड दे दी इस तरह, अभी ये देखें ये कमांड दे दी, और हो सकता है कि आपने एक कमांड हम दे लेते हैं यहाँ से इस तरह, तो ये कमांड जब आपने इसको सेंड कर दी, अब आप कहते हैं यार ये तो मेरे गलती से सेंड होगी, तो अब मैंने इसको कैंसिल करना है। तो इस कमांड को कैंसिल करने का, अगर आप प्रिंटर बंद करेंगे प्रिंटिंग रुक जाएगी, दोबारा ऑन करेंगे दोबारा प्रिंटिंग स्टार्ट कर देगा, तो उसका बेहतर तरीका ये होता है कि आप इस कमांड को कैंसिल करें। तो उसके लिए यहाँ पे आप जाएंगे यहाँ पे, या आप डिवाइसेस एंड प्रिंटर में जो भी प्रिंटर है उस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आपने कैंसिल ऑल डॉक्यूमेंट्स कर देना है, तो ये सारी कमांड कैंसिल हो जाएगी, दोबारा आप प्रिंटर ऑन करेंगे तो आपको वो मसला नहीं होगा। ये तो हमारा एक एक आइटम को हो गया। अब अगर हमने दोबारा कोई आइटम इसके अंदर से प्रिंट करना है, तो जब भी ये फॉर्म दोबारा खोलेंगे ऑलरेडी जो आपने पहले कमांड दी होगी वो इसके अंदर यहाँ पे नीचे आ रही होगी। अब मैं अगर इसमें से ऐड करूंगा कोई भी आइटम मैंने ऐड किया, जिस तरह मैंने कहा इसके 5 प्रिंट कर दूं, अब मैं जब इसको कमांड दूंगा सबसे पहले वो ये वाले प्रिंट होंगे जो ऑलरेडी मैं प्रिंट कर चुका हूं, और उसके बाद ये होगा। तो ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ ये वाला स्टिकर प्रिंट करना है। इसके लिए जरूरी है कि जब भी ये फॉर्म खोलें जो ऑलरेडी आपने ऑलरेडी प्रिंट कर दिए हैं, उसके बाद आप इसको एम्प्टी कर दें। इसको एम्प्टी करने के बाद आप फिर इसको ऐड करें या जितने भी आपने ऐड करने हैं। अब जब आप इसको कमांड देंगे तो सिर्फ ये वाले 5 स्टिकर आपके प्रिंट होंगे। ये जो थे हम 1 बाय 1 आइटम्स प्रिंट कर रहे हैं। अब एक केस ये आ जाता है कि हम कहते हैं जो इनवाइस हमने परचेज की है उसकी पूरी की पूरी इनवाइस की हमने स्टिकर प्रिंट करने हैं, उसके लिए हमें परचेज पे जाना पड़ेगा, उस इनवाइस पे जाना पड़ेगा जो भी इनवाइस हमने करनी है। और यहाँ पे देखिए आप बार कोड है, अब इसकी जो टोटल क्वांटिटी है वो 82 है, हमने यहाँ पे बार कोड पे क्लिक किया और ये देखें 82 हो गया। अब हमने एक एक को यहाँ पे नहीं डाला, हमने कहा कि जो इस इनवाइस के अंदर आइटम्स आए
वही आइटम्स यहाँ पे बार कोड में आ जाए। इसी तरह मैंने फिर इसको क्लिक करना है तो ये प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अब बार कोड का जो डिजाइन की बात है, एक तो आपने देख लिया कि इसके मुख्तलिफ साइज होते हैं और डिजाइन के। अब ये देखें, ये मुख्तलिफ आपके सामने मैंने स्टिकर्स के डिजाइन रखे हैं। अब ये जो ऊपर आ रहे हैं, ये जो साइज है वो है 58-40। ये डब्बे के ऊपर लगाते हैं ताकि डब्बा अगर आपके रैक के ऊपर पड़ा हो तो नीचे से आपका जो सेल्समैन वहां से डब्बा निकालने जाए उसको नीचे से ही नजर आ जाए कि इसका आर्टिकल नंबर क्या है और इसका साइज क्या है। इसके बाद जो नीचे वाली तीन स्टिकर्स हैं, इनका साइज है 38-28। ये जो स्टिकर्स हैं, ये आपकी जूती पे लगते हैं और कुछ लोग ये स्टिकर आपके डब्बे पे भी लगा लेते हैं जिनके इतनी ज्यादा रैकिंग नहीं होती, तो वो ये स्टिकर लगा के इस तरह साइज थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं और इससे वो काम चला लेते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि जिस तरह ये स्टिकर है, एक इसका डिजाइन इस तरह कर लेते हैं, ये जो फेमस शूज का है इसमें इस तरह का बार कोड और डिटेल लिख दी, और जो उन्होंने डब्बे के ऊपर या रैक के अंदर जो डब्बे लगे उनके ऊपर लगाना होगा वो उस तरह बड़ा बड़ा लिख लेते हैं ताकि ये वाला भी हमारे पास आ जाए और ये वाला भी आ जाए। ये तो एक ही स्टिकर के साइज है, लेकिन अगर हम डिफरेंट स्टिकर के साइज यूज करें, एक ये यूज करें और एक हम ये यूज करें, तो फिर सॉफ्टवेयर के अंदर से किस तरह हम करेंगे, प्रिंटर तो हमारे पास एक ही होगा। तो जहां तक सॉफ्टवेयर की बात है बार कोडिंग की, तो सॉफ्टवेयर के अंदर आप यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शंस मौजूद है। आप इसमें से और भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको ये कम लगते हैं। आप यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं 2 के ऊपर तो ये देखें ये साइज आपका मुख्तलिफ साइज है। 3 पे क्लिक करते हैं तो ये और साइज है। इसी तरह आपने 1 के ऊपर एक स्टिकर की सेटिंग कर लेनी है और 2 के ऊपर आपने दूसरे छोटे या बड़े स्टिकर की सेटिंग कर लेनी है, और उसके ऊपर क्या क्या चीज प्रिंट होगी उसके लिए जो मैंने सॉफ्टवेयर आपको पहले बताया है उसकी वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि आपने अपना स्टिकर किस तरह डिजाइन करना है। इसके लिए प्रिंटर कौन से यूज करने हैं, आपने रिकमेंडेड प्रिंटर कौन सा, ये अक्सर लोग पूछते हैं जी आप प्रिंटर बता दें। तो हम जो जिसको हम समझते हैं कि बेहतर प्रिंटर है और परफॉर्मेंस भी ठीक है वो तो हम TSC का, ये जो पहले नंबर पे है 1 नंबर पे, इसी को रिकमेंड करते हैं। मोस्टली यूज होता है, कंप्लेंट फ्री है, बहुत कम हमने देखा है कभी इसमें कोई मसला हो, तो ये वाला प्रिंटर है। अगर ये वाला प्रिंटर आप ना यूज करें तो जो फिर चाइना के आते हैं TSC कंपेटिबल, इसका मतलब ये होता है कि ये TSC कंपनी के तो नहीं होते लेकिन इसके अंदर ड्राइवर वही वाला यूज होता है जो इस TSC का यूज है, तो ये वाला यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये यूज नहीं करते तो ये ज़ेब्रा का जो 2 नंबर प्रिंटर है ये भी यूज कर सकते हैं, या कोई भी मार्केट में अगर जो प्रिंटर आ रहा है वो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जो सॉफ्टवेयर की प्रिंटिंग होगी, जो स्कैनिंग की होगी, वो अगर आप ये TSC का यूज करेंगे तो वो सबसे बेस्ट अभी तक जो प्रिंटिंग चल रही है वो इसी की है, और स्कैनिंग भी अभी तक जो मार्केट में एक एवरेज रेंज के अंदर है। मैं वो इंडस्ट्रियल प्रिंटर से उनको कंपेयर नहीं कर रहा, जो लेवल मार्केट में जो आ रहा है उसमें ये TSC सबसे बेस्ट है। अच्छा, 9 नंबर के ऊपर जो हमारा स्टेप है वो है सेल, पॉइंट ऑफ सेल का, कि हमने अपनी कैटेगरीज, अपने सप्लायर्स, ब्रांड, सेल्समैन, कलर्स, परचेज, बार कोडिंग, ये तमाम चीजें कंप्लीट करने के बाद अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि अब हम सेल कर सकते हैं। तो सेल आप इसलिए ये सारे स्टेप करना जरूरी था क्योंकि इन स्टेप्स के बगैर जब तक आपके पास आइटम्स क्रिएट नहीं है तो आप सेल नहीं कर सकते। एक चीज से ये भी साबित हुई कि आप वही आइटम सेल कर सकते हैं जिनकी आपने आइटम फाइल बना ली है। अब सेल आप बार कोड स्कैनर से भी कर सकते हैं और विदआउट स्कैनर यूज करके भी आप कर सकते हैं। स्कैनर्स में मैंने ये मुख्तलिफ स्कैनर्स की पिक्चर्स आपके सामने रख दी हैं, आप कोई भी स्कैनर यूज कर सकते हैं। पहले वाले को हमने डायरेक्शनल कहते हैं, ज्यादा मोस्टली यही यूज होता है, बाकी सिंगल लाइनर हैंडी स्कैनर है, स्टैंड पे भी आ जाते हैं और हैंडी हैंड में भी करके आप यूज कर सकते हैं। फिर आखिर पे ये जो 2 प्रिंटर, ये थर्मल प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर ऑटो कटर, तो ये आपके बिलिंग के लिए, आप HP वगैरह भी यूज कर सकते हैं, लेजर जेट प्रिंटर भी यूज कर सकते हैं और थर्मल भी। थर्मल इसलिए रिकमेंडेड है कि एक तो इनमें इंक नहीं डलती है, दूसरा इनकी स्पीड फास्ट होती है, और मोस्टली जो रिटेल की शॉप्स होती हैं वो इसी को प्रेफर करती हैं। अच्छा, अब हम सेल के ऊपर, जब हम सेल के ऊपर आएंगे तो सेल हमने ये देखना है कि सेल के अंदर हमें रूटीन में किस किस सिनेरियो का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सेल्स के अंदर हम क्या क्या चीज कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीज है। ये चीज मैं एक यहाँ पे बताता चलूं कि ये मैंने वो यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं या वो सिनेरियोज लिखे हैं जो मैक्सिमम यूज होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं लेकिन वो रूटीन में यूज नहीं होते, इसलिए उनको मैं अभी वीडियो की हद तक उसको डिस्कस नहीं कर रहा।
सबसे पहले आ जाता है जी सेल्समैन। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जो सेल्समैन की ऑप्शन होती है वो यूज करते हैं या यूज नहीं करते, पहले तो यहाँ पे डिफरेंशिएट हो जाता है। अच्छा, जो यूज करते हैं उनमें भी ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जब हमारा बिल कंप्लीट हो हम उस वक्त सेल्समैन दें, सिस्टम को, सिस्टम हमसे पूछे कि किस सेल्समैन ने सेल किया। और कुछ ये होते हैं वो कहते हैं जी जब भी हम आइटम सेल करें साथ ही हमसे ये पूछ ले, क्योंकि हमारे कुछ आइटम कोई सेलमैन सेल करता है, कुछ आइटम दूसरा सेलमैन सेल करता है, यानी एक ही कस्टमर को मल्टीपल सेलमैन डील करेंगे, इसलिए फिर आप हर जो सेल होने वाली आइटम्स है उसके ऊपर सेलमैन को पूछ ले। साफ़ एयर के अंदर दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, आप बिल के ऊपर भी दे सकते हैं पूरे बिल खत्म होने पे और सिंगल आइटम पे भी। इसके बाद एक तो होती है नॉर्मल सेल है, कस्टमर आया आपने चीज उसको दी पेमेंट ली। दूसरा ये होता है कि वाइड होती है, इसकी मैं डिटेल में बताऊंगा। एक्सचेंज और रिफंड होती है कि वापसी आ जाती है, बिल के ऊपर आपने डिस्काउंट देना है, सर्च करना है क्रेडिट कार्ड की, आपने सेल करनी है, क्रेडिट बिल बनाना है, आप कहते हैं कि नो प्रिंट, प्रिंट मुझे नहीं चाहिए, तो आपने क्या करना है डुप्लीकेट बिल है। फिर कैश बिल इंफॉर्मेशन है, जो कैश के ऊपर आप सेल कर रहे हैं उसकी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि किस कस्टमर का मोबाइल नंबर और उसके नाम शाम, ये आजकल लोग ज्यादा कोशिश करते हैं कि डेटा कलेक्ट कर ले। तो सिंगल आइटम डिस्काउंट कैसे देना है, टेम्परेरी बिल को क्लोज कैसे करना है, बिल कैंसिल और चेंज प्राइस ऑप्शन ये, और डिस्काउंट आइटम रिफंड, डिस्काउंटेड आइटम है बेसिकली ये लिखा हुआ, डिस्काउंट आइटम लिखा हुआ है। आप इसको समझे कि जो इस आइटम के ऊपर आपने डिस्काउंटेड रेट के ऊपर कोई चीज सेल की है, जब उसकी वापसी आ जाती है तो आपने उस रेट के ऊपर वापस करना होता है जिस रेट के ऊपर आपने दिया होगा। तो वो अक्सर लोग वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसको कैसे करेंगे, तो 15 नंबर स्टेप के अंदर हम इस चीज को कवर करेंगे। बाकी इसके अंदर कोई और मजीद स्टेप आ गया वो मैं आपको बताता चलूंगा, लेकिन मोस्टली हमारा फोकस इनके ऊपर रहेगा। तो पॉइंट ऑफ सेल की तरफ हम बढ़ते हैं जी। पॉइंट ऑफ सेल को ओपन करने के लिए एक तो ये है हमारे पास यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल है, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे किसी पे भी क्लिक कर लें। यहाँ पे जब आप पॉइंट ऑफ सेल ओपन करेंगे तो राइट साइड पे आपके पास कैशियर की लिस्ट आ रही होगी कि किस कैशियर ने लॉग इन करना है। अभी डिफॉल्ट के ऊपर पोज है, जो लेटेस्ट हमारी एग्जी है उसके ऊपर, तो इसी पोज ही मैं लॉग इन करूंगा। POS इसकी आईडी है और POS इसका पासवर्ड है। ये पॉइंट ऑफ सेल आपके सामने ओपन हो गया। इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने नॉर्मल सेल करनी है। नॉर्मल सेल में अगर आपके पास स्कैनर लगा हुआ है, आपने यहाँ पे स्कैनर अगर आपके पास है तो आपने इसको कोड को स्कैन करना है। जब आप स्कैन करेंगे तो इस तरह का कोड यहाँ पे स्कैन होगा और साथ ही ये एक आइटम सेल होगा, जो स्कैन करेंगे तो वो ये सेल हो जाएगा। इसी तरह आप दूसरा आइटम आप स्कैन करेंगे, ये क्योंकि मेरे पास स्कैनर नहीं इस वक्त तो मैं इसको मैन्युअली कर रहा हूँ, ये सेल हो गया। कस्टमर को आपने कहा जी 3849 रुपये का आपका बिल बन गया, कस्टमर ने आपको 5000 दिया, आपने 5000 लिखा और एंटर की प्रेस की, उसने कहा जी सेल्समैन दे। अब ये देखें ये वो सेल्समैन है जो पूरे बिल के ऊपर आ रहा है, तो यहां से आपने इसको सेल्समैन दिया और ये आपका बिल फाइनलाइज हो गया। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास ऑप्शन मौजूद था वो दूसरा हमारे पास था वाइड आइटम। वाइड आइटम ये है कि जब हम दूसरा हमारे पास ऑप्शन था जी वाइड आइटम का। वाइड आइटम ये है कि हमने कोई आइटम सेल किया, मिसाल के तौर पर 02001-01-36 ये सेल किया, इसके बाद CL7111-06-39 ये आइटम चाहिए। आपने कस्टमर को कहा जी आपका 3849 रुपये का बिल बन गया, कस्टमर ने कहा ऐसा करें कि ये मिक्स लेडीज शूज है, ये आप बिल से निकाल दें। तो इसको निकालने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है।
ये आप देखें, आप 3250 रुपये सिर्फ इस आइटम का रहेगा। इसी तरह आपने इसको खाली छोड़ना है, ये वाली जगह आपने खाली छोड़नी है। जब आप खाली छोड़ के एंटर की प्रेस करेंगे तो वो पेमेंट के ऊपर आएगा, आपने पेमेंट डालनी है जो भी कस्टमर है आपको दी है। आप एंटर की प्रेस करेंगे, सेलमैन देंगे तो आप यहाँ पे आपका बिल फाइनल हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो अगली चीज है वो है हमारे पास एक्सचेंज एंड रिफंड। तो आप एक्सचेंज करें या रिफंड करें, उन दोनों किस सूरतों में साफ़ेर के अंदर उसका ऑप्शन एक ही है। ऑप्शन से मुराद इस तरह का है कि आपने जो भी चीज वापसी आई है तो सबसे पहले आपने यहाँ से F6 का बटन प्रेस करना है, ये F6 यहाँ पे रिफंड आ जाएगा। उसके बाद आपने वो कोड लिखना है 01001-01 उसका कलर डैश उसका साइज, यानी जो चीज वापसी आई है। कितने पीस वापस आए हैं, वो हमारे पास 2 पीस वापस आए हैं। तो जब 2 पीस वापस आए हैं तो सिस्टम ने कहा जी कि ये 1198 रुपये आपने उनको दे देने हैं। अगर सिर्फ वापसी है, आपने पैसे देने हैं तो आपने यहाँ से एंटर की प्रेस करनी है, पेमेंट्स के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे कुछ भी ना लिखे, एंटर की प्रेस करेंगे तो ये आपकी वापसी आ गई। अब आपने इतने पैसे 1198 रुपये आपने उनको दे दिए और ये वापसी होगी। लेकिन शूज गारमेंट्स में ज्यादातर यही होता है कि आपकी एक्सचेंज ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं, वो रिफंड इस तरह नहीं करते कि पैसे वापस करते हैं, वो कहते हैं इसके बदले में कोई और चीज देनी। तो अगर इस तरह का केस हो तो आपने F6 की प्रेस करनी है और अच्छा कोड आपने लिखना है। अगर कोड आपको याद नहीं है या स्कैनर आपके पास वो जो उसके ऊपर लिखा हुआ है वो मिटा हुआ स्कैनर काम नहीं कर रहा, तो फिर आपने क्या करना है, उसके लिए जरूरी है आपने ये स्लैश की प्रेस की। इसके बाद आपने 02, इसके बाद आपने लिखा जी लेडीज जो भी है उसके, आपने कहा जी ये वाला हमने वापस करना है। अच्छा, जब इसको वापस करना है तो यहाँ पे आप F6 दबाएंगे, ये रिफंड आ जाएगा। उसके बाद जब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो वो आपसे पूछेगा जी कौन से किस साइज में आपने कितने पीस करने, आपने कहा 1 पीस है। तो 1 पीस करने के बाद आप जब कहेंगे वो आइटम को डज नॉट फाउंड आएगा, हालांकि इससे पहले वो रिफंड कर रहा था। उसकी रीजन ये थी कि हमने इसको साइज नहीं दिया था। तो जब भी हमने सर्च करनी होगी, अगर हम देखेंगे यहाँ पे आप देखें, ये हमने लेडीज लिखा, ये हमारे पास आ गया। अब जब यहाँ पे हमारे पास आ गया, हमने यहाँ पे इसके आखिर पे जाके डैश लिखा, 36 लिखा और देन हमने F6 प्रेस किया। सर्च करने के बाद यहाँ पे पूरी डिटेल आ गई, हमने F6 की प्रेस की, यहाँ पे रिफंड आ गया। अब हमने इसको रिफंड करना है। अब जब हमने रिफंड कर लिया 599 रुपये, तो कस्टमर ने कहा जी मुझे इसके बदले में आप CL7111-06-39 ये वाला आर्टिकल दे दे। अब देखिए, पहले जो उसने चीज वापस की है वो है 599 की, और जो उसने ली है वो 3250 रुपए की ली है। इसका डिफरेंस जो आ गया वो 2651 रुपए आ गया। 2651 रुपए आपने उनसे लेने हैं। इसी तरह जितने उसने पे किया आपने लिखने हैं, एंटर की प्रेस कर दी है, सेल्समैन आपने देना है और ये आपका बिल फाइनल हो गया। इसके बाद जो अगली चीज है वो है हमारे पास बिल के ऊपर डिस्काउंट देना। अक्सर शॉप्स ओपन होती हैं, नई शॉप्स होती हैं, या कुछ कैटेगरीज के ऊपर जो शॉप्स ऑनर्स होते हैं वो कहते हैं इनके ऊपर 10% या 20% ऑफ करना है। जब मैं आइटम फाइल की वो रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि अगर उस खाने में आप डिस्काउंट लिख देते हैं तो जब आप यहाँ पे आइटम सेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको डिस्काउंट लग जाएगा। लेकिन अगर वहां पे नहीं लिखते, अब आपने बिल के ऊपर डिस्काउंट देना है, मैनुअली देना है, तो आपने किस तरह देना है, आपने नॉर्मल बिल बनाना है जिस तरह आप बिल बना रहे हैं। ये आपने बिल बनाया, इसके बाद हमने CL7111-06-39 ये कर लिया। अब आपने इनके ऊपर 10% ऑफ करना है या 49 रुपये आपने ऑफ करने। अगर तो आपने 49 रुपये आपने ऑफ करने हैं तो फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है डिस्काउंट मैनुअल के ऊपर। आपने यहाँ पे अमाउंट लिखनी है जितने रुपये आपने ऑफ करने हैं। आफ्टर डिस्काउंट आपके पास 3300 हो गया। आपने यहाँ पे अभी कर्सर है, आपने एंटर प्रेस करना है, यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पे आएगा तो आपने यहाँ पे अमाउंट लिखनी है, जो भी इसकी अमाउंट बनती है आपने अमाउंट लिख दी, या जितना कस्टमर ने आपको पे किया वो आपने लिखा। इसके बाद सेलमैन दिया, ओके किया, तो ये 1200 रुपये आप इसको वापस कर देंगे। तो इसके बाद हमने अगर परसेंटेज में डिस्काउंट देना है CL7111, इस आइटम के ऊपर हमारे पास है जी
20% ऑफ है। तो हमने आइटम सेल किया, उसके बाद हमने इस बटन पे क्लिक नहीं करना, हमने इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने 20% लिखा, उसने कहा जी कि 650 रुपए का डिस्काउंट बन गया और आफ्टर डिस्काउंट ये 2600 बन गया। अब यहाँ पे देखें ये डी लिखा हुआ रह गया, तो ये एक मिस्टेक हुई है, इसको आपने खत्म करना है डी को। और यहाँ पे आपने आके तो जितने कस्टमर ने आपको दिए आपने उतने लिखने, एंटर के की प्रेस करनी है, सेलमैन देना है और उसके बाद ये आपका बिल फाइनल हो गया डिस्काउंट का। डिस्काउंट के बाद आ जाती है जी सर्च आ जाती है। अगर तो हमने सर्च करनी है, हमारे पास कोड हमें याद नहीं है और स्कैनर हमारा काम नहीं कर रहा, तो इसकी सर्च क्या है? सबसे पहली जो सर्च है वो तो है हमारी स्लैश के, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। इसके बाद आपने कुछ भी डिस्क्रिप्शन का हिस्सा लिखेंगे, एंटर की की प्रेस करेंगे, तो वो एक तो यहाँ पे आपको सर्च नजर आ जाएगी कि ये आइटम है, उसके बाद वो किस किस साइज में कितना कितना पड़ा हुआ है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक तो सर्च ये है, दूसरी इसकी सर्च ये है कि आप कंट्रोल और प्लस आई अगर प्रेस करेंगे तो ये विद पिक्चर आपको उसकी सर्च आ जाएगी। अगर आपने साथ पिक्चर भी देखनी होगी तो ये आ जाएगी। इसमें फिर आप आएंगे तो आपने अगर सी एल लिखेंगे तो ये देखेंगे सी एल आ गया यहाँ पे। अगर आप कहते हैं नहीं हमारे पास 79 आपने लिखा, ये देखें 79 फौरन उसने पिक कर लिया, और इसके ऊपर किस किस साइज में कितने कितने पीस पड़े हुए हैं तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपने यहाँ पे क्लिक किया, अब देखें यहाँ पे इसका आर्टिकल और इसका कलर आ गया। अब यहाँ पे आपने डैश लिखना है, डैश के बाद इनमें से किस साइज को आपने सेल करना, आपने कहा 41 को करना है तो आपने 41। क्रेडिट बिल मीन उधार का बिल, कस्टमर आता है वो आपसे चीज ले जाता है और कहता है पैसे बाद में देता हूँ, तो उसका बिल भी बनाने के लिए आपने जिस तरह बिल बना रहे हैं उस तरह आपने बिल बनाना है और उसके बाद आपने इसको सेल करना है। अब ये जो आइटम है इसके ऊपर मैंने अभी आइटम फाइल के ऊपर 10% ऑफ कर दिया। अब जो इसकी एक्चुअल प्राइस थी वो थी इसकी 1299 रुपये और ये 1159 रुपये का, क्योंकि मैंने कोई डिस्काउंट कोई कुछ नहीं दिया, लेकिन इसकी मैंने आइटम फाइल में से ऑटो डिस्काउंट किया हुआ है तो इसलिए ये आपको कम नजर आ रहा है। ये देखें जी ये हमारे पास है, ये अक्सर आप लोगों को मसला आएगा जब आप साइज मैनुअल लिख रहे हैं तो वो कहता है साइज मौजूद नहीं है, इसलिए आपने वही साइज लिखना है जो इसके कैटेगरी के अंदर मौजूद है। यहाँ पे हो गया, उसके बाद आपने जाना है जी कस्टमर के ऊपर। कस्टमर के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास कस्टमर्स की लिस्ट आएगी जो आपने ऑलरेडी क्रिएट किए होंगे। अगर यहाँ पे आपके पास कस्टमर की लिस्ट नहीं आ रही तो या वो कस्टमर नहीं आ रहा जो जिसको आपने सेल करना है, तो आपने यहाँ पे F6 की प्रेस करनी है, आपके सामने कस्टमर का फॉर्म ओपन हो जाएगा, आपने यहाँ से एक कस्टमर ऐड कर लेना है। मैं खुद अपने आपको इसमें ऐड कर लेता हूँ, ये हो गया। इसका मोबाइल नंबर लिख लिया करें, मोबाइल नंबर इसलिए भी जरूरी है अगर आपके साथ SMS का मॉड्यूल लगा हुआ है तो जो ही आपका बिल ये फाइनल होगा तो उसको एक SMS भी चला जाएगा। अक्सर ब्रांड्स के ऊपर जब आप शॉपिंग करते हैं तो ये उनको शुक्रिया का मैसेज या प्रमोशंस का या डिस्काउंट्स वगैरह का मैसेज आता है, तो वो इसी तरह जाता है कि उनके पास उस कस्टमर की प्रोफाइल होती है। तो यहाँ से मैंने कस्टमर सेलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया, और अब मैं जब पेमेंट्स के ऊपर आऊंगा जितनी पेमेंट्स आप टोटल होगा उतनी पेमेंट सिस्टम को दिख दे, यानी क्रेडिट कार्ड के केस में और क्रेडिट, ये दोनों सूरतों में उसको पता है कि पेमेंट उसने लेनी नहीं है, इसलिए पेमेंट उसने खुद यहाँ पे लिख देनी है। मैंने एंटर की प्रेस करनी है, ओके वो कहेगा जी सेलमैन, मैंने जहीर सेलेक्ट कर लिया, उसने कहा जी मोड ऑफ पेमेंट आप क्रेडिट सिलेक्ट करें, क्योंकि इसका मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे कैश है इसलिए मैंने यहाँ पे जानना है, मैंने क्रेडिट करना है, ओके करना है, उसके बाद ये बिल आपका फाइनल हो गया क्रेडिट सेल का। अच्छा, क्रेडिट सेल के बाद आपने यहाँ पे एक नहीं लिखा हुआ मल्टी MOP। मल्टी MOP ये है कि अगर कोई भी कस्टमर आता है वो कुछ पैसे कैश दे देता है, कुछ वो आपको उधार कर देता है और कुछ क्रेडिट कार्ड से देता है, यानी कि मिक्स मोड से अगर पेमेंट देता है तो वो हमने किस तरह करनी है। हम एक बिल बना लेते हैं, ये हमारा एक पास बिल बन गया। अब आप देखें जो मैंने कीवी सेल किया उसने मुझसे कोई साइज वगैरह नहीं पूछा, ना मुझे साइज देने की जरूरत पड़ी, क्योंकि कीवी पॉलिश है उसको कोई साइज नहीं है, ये हो गया। अब जब मैंने इसको मोड ऑफ पेमेंट क्रेडिट करना है लेकिन ये कुछ कैश भी दे रहा है, इसी बिल में कुछ कैश भी दे रहा है और कुछ वो उधार भी कर रहा है, तो सबसे पहले तो मैंने उसी तरह कस्टमर सेलेक्ट करना है। यहाँ से मैंने कस्टमर सेलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया, मोड ऑफ पेमेंट में से जाके मैंने क्रेडिट सेलेक्ट कर लिया। जब मैं पेमेंट्स के ऊपर आऊंगा अब मैंने एक और एंटर की प्रेस नहीं करनी, अगर एंटर की प्रेस करूंगा
ये पूरे का पूरा बिल क्रेडिट चला जाएगा और इस कस्टमर के अगेंस्ट चला जाएगा जिसका ओल्ड बैलेंस ये है, करंट बैलेंस ये है। मैंने यहाँ पे आके F2 की की प्रेस करनी है। जब मैं F2 प्रेस करूंगा तो एक नया फॉर्म खुल जाएगा जिसके अंदर मुझे ये बता रहा होगा कि टोटल जो बिल है वो 2488 रुपए का है, इसने 1000 रुपए कैश दे दिया, क्रेडिट कार्ड इसने 1000 रुपए क्रेडिट कार्ड से पे किया। ये वैसे समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आप एक ही बिल में मल्टी मोडल पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो जितने पैसे बचे हैं 488 रुपए, वो उसने आपको बैलेंस उसका हो गया। हमने यहाँ से ओके किया, सेलमैन दिया, ओके किया। अब ये जो बिल है ये हमारा मल्टी मोड ऑफ पेमेंट के ऊपर क्लोज हुआ है। वो चीज मैं मेंशन नहीं थी तो मैंने कहा वो भी आपको साथ बता दूं। नो प्रिंट का ये है, अगर यहाँ पे आप बिल एक बना रहे हैं, मिसाल कीवी का बिल बनाते हैं, मैं यहाँ से अनचेक कर देता हूँ प्रिंट को। अब ये बिल तो बन जाएगा, ये बिल आप देखिएगा, बिल सेव भी हो जाएगा, लेकिन ये प्रिंट नहीं होगा, ये 10 रुपए चेंज हुए, ये तो नो प्रिंट था। अगर कस्टमर कहता है जी मुझे तो डुप्लीकेट, मुझे तो बिल चाहिए, अब बजाय इसके कि आप उसका दोबारा बिल बनाए, वो आपकी सेल को बढ़ा देगा, आपने ये काम नहीं करना, आपने सीधा डुप्लीकेट में जाना है, ये डुप्लीकेट। और यहाँ पे आपके पास सारे बिल की लिस्ट आ रही होगी जिसके आपने सुबह से बनाए होंगे। आप किसी भी बिल पे क्लिक करेंगे तो उसकी राइट साइड पे डिटेल आ जाएगी। आप इस बिल को चेक करके तो आपने यहाँ से प्रिंट का बटन दबा देना है, ये प्रिंट का बटन दबाएंगे तो आपका डुप्लीकेट बिल प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद है कैश बिल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो बिल आपका कैश का बन रहा है। आजकल जो मॉडर्न शॉप्स हैं वो ये करती हैं कि जो कैश का भी कस्टमर है उसकी भी उनको कोशिश होती है कि उसकी भी वो एक नंबर्स वगैरह और थोड़ी बहुत डिटेल ले लें, ताकि जब वो कल प्रमोशन डिस्काउंट्स ऑफर्स वगैरह करें या ओकेजन ईद वगैरह का आता है या इस तरह का कोई होता है तो वो उनको अपडेट करें थ्रू SMS थ्रू कॉल। तो उसके लिए जरूरी होता है कि आपके पास कस्टमर की प्रोफाइल या उनका डाटा या मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि जो रजिस्टर्ड कस्टमर है उनको हम इस खास दिनों में हम उनको डिस्काउंट देते हैं। तो उसके लिए आपने यहाँ से जिस तरह आप बिल बना रहे हैं उसी तरह आपने बिल बनाना है। ये आपका बिल बन गया, मैं लंबा बिल नहीं करता। और यहाँ पे रेफरेंस नेम में आपने आना है, ये रेफरेंस नेम है, और यहाँ पे आपने रेफरेंस लिख लेना है। किसी भी एक ही लाइन के अंदर आपने उनका नाम भी लिखना है, उनका नंबर भी लिखना है, अगर एड्रेस है तो एड्रेस भी लिखते हैं आप, अदरवाइज नाम और नंबर ही काफी है। आपने यहाँ से ओके कर दिया। अब ये जो इनका नाम और नंबर आप देखें यहाँ पे नीचे आपको नजर आ रहे हैं, और ये आपके पास सेव भी हो जाएगा, वो मैं आगे आपको चल के बताऊंगा। नॉर्मल 1000 रुपये दिया आपने, लिखा सेलमैन दिया, ओके किया, और ये बिल बन गया, डुप्लीकेट बिल हो गया हमारे पास, सिंगल आइटम डिस्काउंट। अच्छा, अब हम यहाँ पे हम देखें कि हमने एक बिल बनाया 41, एक हमने ये बनाया, एक हमने ये बनाया, और ये 45। अब हम देखें हमारा बिल बन गया, हमने कस्टमर को डिस्काउंट देना है सिर्फ 1599 वाले आइटम पे, ये लेक्सर 4163 के ऊपर, बाकी किसी आइटम के ऊपर नहीं देना। अगर हम बिल के ऊपर डिस्काउंट देंगे तो ये पूरे बिल की इस अमाउंट के ऊपर 10% ऑफ होगा। हमने एक सिर्फ इस आइटम के ऊपर देना है, तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है सिंगल आइटम डिस्काउंट, F12 सिंगल आइटम डिस्काउंट। हमने यहाँ पे क्लिक किया, इस आइटम के ऊपर क्लिक किया, जितना मैंने डिस्काउंट देना है, अब मिसाल के तो मैं 10 लिख रहा हूँ, तो ये उसने 10% ऑफ कर दिया सिर्फ इस आइटम के। अभी देखें 2448 रुपए है ना, अब ये देखिएगा ये 2328 रुपए अब हो गया जब मैं यहाँ पे आया। इसने पूरे बिल पे नहीं किया, सिर्फ इस आइटम के ऊपर सिंगल आइटम डिस्काउंट हम इसको बोलते हैं सिर्फ। वो किस तरह, हमने इस पे पहले क्लिक करना है, फिर उस आइटम के ऊपर क्लिक करना है, जितनी अमाउंट देनी है हम उसको डिस्काउंट करते हैं। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर के अंदर इसके दो बिहेवियर हो सकते हैं। एक बिहेवियर ये हो सकता है कि जो यहाँ पे मैं फिगर लिखूं वो उतने परसेंट का डिस्काउंट दे, और दूसरा ये हो सकता है कि मैं कहता हूँ मैं जो यहाँ पे फिगर लिखूं उतने रुपीज का हो। ये सेम टाइम के ऊपर एक ही ऑप्शन चलता है, एक ही उसकी कॉन्फ़िगरेशन चलती है, या परसेंटेज या रुपीज में, लेकिन ये दोनों चल सकते हैं। अगर किसी को परसेंटेज में चाहिए, जिस तरह मैंने अभी परसेंटेज में किया, तो परसेंटेज में हो जाएगा। अगर कोई कहता है नहीं मैंने जो फिगर यहाँ पे लिखूं, जिस तरह मैंने यहाँ पे 40 रुपए लिखता हूँ, इस बिल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे 40 लिखता हूँ, तो ये 250 रुपए इसको कर देगा और 40 रुपए लेस करेगा। ये दोनों बिहेवियर आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं जी टेम्परेरी बिल क्लोज, इसको भी आपने फाइनलाइज इसी तरह करना है, तो वो ओके हो गया। क्योंकि टेम्परेरी बिल के लिए भी मुझे इस तरह बिल बनाना है, तो मैं टाइम को बचाते हुए यहाँ पे आप देखें ये बिल बना, और कस्टमर चला जाता है, कहता है मैंने कोई और आइटम लेना है, या मैं 10 मिनट बाद आता हूँ, या 20 मिनट बाद आता हूँ, या शाम तक आता हूँ,
तो जाए ये बिल फाइनल करने की। हो सकता है इसमें वो तब्दीली कर दे, हो सकता है कुछ चीज ना ले या कुछ चीज में ऐड कर ले। आप बिल फाइनल नहीं करते, तो उसके लिए आप यहाँ से इसको टेम्परेरी क्लोज कर देते हैं। और कहता है जी सेलमैन बताया, मैंने कहा जी ये सेलमैन है। यहाँ से अगर वो कहता है मुझे प्रिंट दे दें ताकि मेरे पास पता हो कि मैंने क्या क्या चीज बुक कराई है, तो आपने यहाँ से प्रिंट का बटन दबा देना है। अगर सिर्फ वो क्लोज करवा रहा है और कुछ पैसे वो एडवांस देके जा रहा है, तो आपने यहाँ पे एडवांस लिख लेने हैं और एडवांस के बाद यहाँ पे आपने इसको क्लोज कर देना है। अगर वो ये समझे कि जो उसने 500 एडवांस दे दिया, आपने यहाँ से क्लोज कर दिया, ओके हो गया। अब जब ये ओके हो गया, उसके बाद वो आ जाता है और कहता है जी मैं बिल क्लोज करा के गया था 2 घंटे पहले, था मेरा बिल फाइनल कर दे। उसके लिए जब आपने टेम्परेरी क्लोज बाया, इसके साथ ही रिट्रीव, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो जो बिल आपके क्लोज हुए होंगे यहाँ पे देखें उनकी लिस्ट आ रही है। ये जिसके नाम से हुए थे वो देखें, ये नाम भी आपके सामने आ गया। यहाँ पे आपने क्लिक करनी है ये उसका। उसके बाद ये इसने एडवांस देखेगा 500, उसके बाद रिट्रीव करेंगे यहाँ पे उसका पूरा बिल आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने जितने उसने पेमेंट करनी है वो पेमेंट आपने की, 500 एडवांस दे गया था, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो आपने यहाँ पे ओके किया और ये आपका बिल फाइनल हो गया, प्रिंट मैंने बंद किया होगा। इसके बाद आ जाते हैं बिल कैंसिल। बिल कैंसिल क्या है, पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक आइटम मैंने, ये एक बिल है, मैंने पहले आपको बताया था वाइट करना कि इस पे क्लिक करें फिर इस आइटम पे क्लिक करें तो ये वाइट होगा। अगर मैंने 10 आइटम किसी कस्टमर ने लिए और वो 10 के 10 वो छोड़ के चला जाता है, तो फिर मैं अगर खत्म करूंगा इस वाइट से तो मेरा अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। मैं पहले इस पे क्लिक करूंगा फिर इस आइटम पे, फिर इस पे क्लिक करूंगा फिर दूसरे आइटम पे, तो बजाय इसके मैं इतनी सारी तरद करूं, तो मैंने यहाँ पे आ जाना और बिल कैंसिल पे क्लिक करना है। इसका पासवर्ड है 5S, आपने 5S पे क्लिक करना है, ओके करना है, पूरे का पूरा बिल आपका कैंसिल हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद है चेंज प्राइस ऑप्शन। चेंज प्राइस ऑप्शन ये है कि आपने यहाँ पे कोई आइटम सेल किया, यहाँ पे आपने ये सेल किया, आप 599 रुपए का है, आप कहते हैं हम इसको कम प्राइस में सेल करना चाहते हैं या ज्यादा प्राइस में, दोनों सूरतों में इसकी प्राइस चेंज करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है F10 के ऊपर और यहाँ पे क्लिक करना है। आपने इसको 650 का करना है, तो आपने इसको पहले डिलीट करना है और 650 करना है। ये अगर ऑप्शन आपको अलाउ होगा कैशियर को तो वो तब कर सकते हैं। अभी जिस तरह यहाँ पे देखें एक आपको बॉक्स नजर आ रहा है वो डिसेबल है, तो वो मैंने एक्टिव नहीं किया इसलिए मुझे नजर नहीं आ रहा। इसी तरह अगर आप कैशियर को अलाउ करेंगे तो ये चीजें कर सकता है। ये चीज अच्छी भी है और नुकसानदेह भी है कि ये नो कैशियर वो पैसे चेंज भी खुद ही कर पा रहे, इसलिए ये आपने, मेरा काम था बताना, बाकी जो इसकी यूटिलाइजेशन है वो आपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद है चेंज प्राइस ऑप्शन, तो मैंने बता दिया। अगर कोई मल्टीपल क्वांटिटी कोई बंदा आपसे लेता है, यानी कि कोई कस्टमर कहता है जी मुझे, अब देखिए मैं आपको मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, ये मैं आइटम जो ही ओके करता हूँ तो ये एक पीस सेल हो जाता है, लेकिन एक कस्टमर है वो कहता है जी मुझे टीवी पॉलिश 10 दे दे, तो फिर आपने क्या करना है, आपने स्कैन करने से पहले आपने प्लस का बटन दबा लेना है, उसके बाद उसका कोड लिखना है, जो भी वो कोड है 01 और 36। जब आप प्लस के साइन लिख के तो आप प्रेस करेंगे तो वो क्वांटिटी पे रुक जाएगा और पूछेगा क्या क्वांटिटी है, तो आपने इसकी क्वांटिटी लिखनी है, तो ये आपके उतने भी सेव हो जाएंगे। इसी तरह आपने फिर इसका बिल बनाना है, जो भी इसका बिल है वो आपने बिल लिख के एंटर की प्रेस करनी है और ये बिल आपका फाइनल हो जाएगा। ये बिल फाइनल हो गया। इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास डिस्काउंटेड आइटम को रिफंड करना। ये सबसे बड़ी मुश्किल होती है यहाँ पे कैशियर्स के लिए कि एक आइटम है जो डिस्काउंटेड, आपने डिस्काउंट दिया होता है किसी को, 10% ऑफ किया होता है या 20% ऑफ किया होता है, उसकी जब वापसी आएगी तो आप वापसी किस तरह करेंगे। आप अगर वापसी इस तरह करते हैं, यानी कि अगर मैं देखें कोई भी आइटम है मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ, ये हमारे पास 1299 वाला आइटम, ये है जी 1599 वाला, इसके ऊपर हमने 20% ऑफ किया था जब हमने सेल किया था। अब जब मैं इसको सेल कर रहा हूँ, रिफंड कर रहा हूँ, इसके एंड पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ और F6 की प्रेस की, ये रिफंड आ गया, उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखें ये आ गया, हालांकि ये तो हमने 20% ऑफ के ऊपर किया था। तो ऐसी सूरत में आपने ये देखना है कि इसको उस अमाउंट के ऊपर कैसे रिफंड करना है, तो उसके लिए फिर जरूरी है आपने यहाँ पे इसको बिल कैंसिल करते हैं। आपने ये आइटम लिया, इस आइटम के आखिर पे आपने लिख दिया जो साइज वापस आया वो साइज आपने लिख दिया और F9 की प्रेस की, ओपन प्राइस आइटम सेल। F9 जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी में आके तो आपने -1
माइनस टू जितने वो वापस आए हैं, ये एफ नाइन की वह की है जो आपको ये काम करने देती है, इसके अलावा आपको कोई की नहीं करने देती। और ये भी इसी सूरत करने देती है जब आपको ये की अलाउ, अगर अलाउ नहीं है तो आप नहीं कर सकते। इसके बाद किस रेट पे आपने वापस करना चाहिए, हमने इनको डिलीट किया और 1300 रुपए का दिया था, हमने 1300 रुपए वापसी करनी है। तो ये एक चीज आपके लिए खास है कि आपने डिस्काउंटेड रेट के ऊपर जो आइटम आपका सेल हुआ है उसको आपने रिफंड कैसे करना है, और बाकी फिर बिल उसी तरह आपका बनना है जिस तरह आपका बिल हो गया। हम अगर सेल से आगे बढ़े 9 नंबर स्टेप तक, और हम अगला स्टेप 10 नंबर स्टेप पे चले जाए। 10 नंबर स्टेप है हमारा रिपोर्टिंग। अब ये बहुत ही एक अहम इसकी है रिपोर्टिंग। ये जरूरी नहीं कि ये जो कैशियर जो बिल बना रहा है ये उसी को अलाउ हो सकता है जो कैशियर है उसका काम बिलिंग तक हो, रिपोर्टिंग किसी एडमिन को या किसी बैंक ऑफिस के यूजर को अलाउ हो। तो मैं आपको अभी जो बता रहा हूँ एडमिन से लॉगिन हूँ इसलिए मैं देख भी सकता हूँ और आपको बता भी सकता हूँ। इसके लिए फिर मैंने यहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए मुझे जाना पड़ता है रिपोर्ट्स में। अब देखें जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसको हमने सेल की जो रिपोर्ट्स है इसको हमने डेली और पीरियडिक दो जगहों में हमने डिवाइड किया हुआ है। अब डेली में इसलिए है कि जो आप सुबह सिस्टम शुरू करते हैं और शाम एंड ऑफ डे तक की जितनी आपकी ट्रांजेक्शन होती है वो उसको सेपरेट एक जगह पे वो सिस्टम इकट्ठा कर रहा होता है और उसको हम बोलते हैं ये डेली है यानी आज की है। और जब आप एंड ऑफ डे कर देते हैं तो फिर जो आपकी रिपोर्ट्स होती हैं वो चली जाती है पीरियडिक में। अभी मैंने एंड ऑफ डे नहीं किया इसलिए मैं आपको पहले डेली से रिपोर्ट्स में आएंगे। ये डेली से रिपोर्ट और यहाँ पे सबसे पहले जो समरी की रिपोर्ट है कि आज मुझे पता चले कि मैंने आज सेल कितनी की है। आप ये देखें ये 24 है और ये सेल है, ये क्रेडिट की सेल है और ये क्रेडिट कार्ड की सेल है। टोटल सेल आप देखें इस सेल के अंदर आपके पास 23 की भी आ रही है और 24 की भी आ रही है। तो अब इसकी लादा रखने का हमें ये फायदा हो गया, अगर किसी सिस्टम की डेट का मसला है या पिछली डेट में चला रहा है, कैशियर जानबूझ के पिछली डेट में चला रहा है तो ये हमें ये बता देगा कि किसी सिस्टम की डेट का मसला है या कैशियर को गड़बड़ कर रहा है। तो इसमें मल्टीपल डेट्स आ जाएंगे इस खान इस जो सेक्शन है, आप वहां पे पता कर सकते हैं कि यार ये क्या गड़बड़ है, क्यों ये डेट पीछे आ रही है। ठीक है जी, तो इसका ये बेसिक एडवांटेज हमें ये मिलता है, हमारे पास डेट्स मुख्तलिफ डेट्स के अंदर इसका डाटा आ जाता है। इसके बाद जो अगली रिपोर्ट है हम कहते हैं कि हमें ये बताया कि हमारी आइटम वाइज क्या सेल हुई है, तो हमने आइटम वाइज पे क्लिक करना है, ओके करना है, तो हमें उसमें आइटम वाइज का बता देना है कि आइटम्स है। बेशुमार इसके अंदर रिपोर्ट्स है, आप वो जिस चीज पे क्लिक करते जाएंगे आपको पता चल जाएगा। आप कहते हैं जी कि हमें जो हमारा सेल्समैन है उसका हमें कमीशन का पता, एक सेल्समैन की ये भी है, ये आपको सॉरी ये सेल्समैन की रिपोर्ट है, इस सेल्समैन अकील ने ये बिल बनाया, इसके ऊपर सब टोटल ये और ये इसके कमीशन बनती है, टोटल कमीशन ये बनता है, ये जहीर का है और ये उसका टोटल कमीशन है। और एक थी इसके अंदर मल्टी एमओपी कि हम ये देखें कि हमारे मल्टी एमओपी के ऊपर हमारे पास कैश कितनी है। तो मल्टी एमओपी के ऊपर हमारा ये कैश है, ये आपकी क्योंकि ये 23 की हमने 24 की देखनी है, ये कैश इतना है, क्रेडिट इसके अंदर इतना है और क्रेडिट कार्ड हमारे पास इतना है, टोटल सेल हमारे पास ये है। ये हमारी डेली सेल रिपोर्ट की, बाकी रिपोर्टें आप खुद देख लीजिएगा। अब जब हमने डेली सेल रिपोर्ट देख ली और हमने अपनी कैश, और उसका बहुत जरूरी है कि आपने डेली सेल रिपोर्ट का प्रिंट ले लिया, अगर प्रिंट नहीं लेते कम अज कम एक मोबाइल से इसका इसकी पिक्चर जरूर ले लें, ये बहुत जरूरी है। इसको हम इग्नोर कर देते हैं, अगर मल्टी पीछे को डेट करके या सिस्टम की डेट का मसला है, कोई भी गड़बड़ हो रही है, तो आपको इस डेली से पता चल जाता है कि आपकी का कैश का क्या मसला है। अब मैं जब देखें हमारे पास 23 और 24 की सेल आ रही है, अब मैं इसको एंड ऑफ डे करता हूँ, मैं सिर्फ एक मरतबा रिपीट करता चलूं कि ये देखें अब हमारे पास गले में कैश होनी चाहिए समझ लें कि 30,710 रुपए। अब 30,710 रुपए में से 4,549 रुपए 23 तारीख की सेल है, क्योंकि वो भी इसी में आ रही है, आज की में आ रही है, तो टोटल कैश हमारे पास ये होनी चाहिए। अब मैं आ जाता हूँ जी इसके बाद रिपोर्टिंग में, हमारे पास जो अगला स्टेप है, ये रिपोर्टिंग मैंने अभी आपको इसमें से सेल्समैन कमीशन की प्रीवियस डे सेल और स्टॉक कमीशन बता दी, लेकिन मैं इसमें से एक स्किप करके एंड ऑफ डे और बैकअप ऑफ डेटाबेस। एंड ऑफ डे ये क्या है, देखें जब आप शॉप क्लोज करते हैं, शटर बंद कर देते हैं, आपको पता होता है कि शॉप क्लोज होगी, लेकिन सॉफ्टवेयर को आपको बताना पड़ता है कि आज की हमारी सेल क्लोज होगी है, कल से वो जीरो से बिल स्टार्ट करे और आपकी पूरी की ट्रांजेक्शन को वो क्लोज करके एक साइड पे रख दे। तो उसके लिए हमने जाना है यूटिलिटीज के अंदर और ये एंड ऑफ डे के अंदर, हमने एंड ऑफ डे पे जाएंगे, यहाँ पे जितने स्टेशन होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी, अभी एक ही स्टेशन है इसलिए वो 001 आ रहा है, हमने यहाँ से स्टार्ट का बटन प्रेस करना है, कुछ टाइम लगाएगा, प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद वो एक मैसेज दे देगा कि आपका एंड ऑफ डे कम्प्लीट सक्सेसफुली। ये मैसेज आपके पास आ गया,
मैसेज के बाद आप इसी के साथ ही बैकअप का बटन है, आपने बैकअप और जहाँ पे आपने बैकअप लेना है, इसने अभी क्योंकि ई बैकअप के अंदर मैंने फोल्डर बनाया हुआ ये पाथ उसने सिलेक्ट किया हुआ है, अदरवाइज आप अपनी मर्जी यहाँ पे ई और बैकअप ओके और इन्वेंट्री बैकअप, एक आपने इन्वेंट्री का बैकअप लेना है और कुछ दिनों में आपने टेम्प का भी ले लिया करें। टेम्प का इतना जरूरी नहीं होता, अगर एक ही मरतबा ले लें वो ठीक है, इन्वेंट्री आपने लाजमी हर रोज ये बैकअप लेके आपने जाना है। अच्छा ये तो हमारा जो स्टेप था ये था 11 नंबर स्टेप क्लोजिंग का, एंड ऑफ डे का, और ये आपने करना है। लेकिन हम 10 नंबर स्टेप की तरफ वापस आते हैं रिपोर्टिंग की तरफ, क्योंकि हमने अब हम जाते हैं डेली में। डेली में अगर हम देखें तो हमारे पास कोई सेल नहीं आ रही। अब अगर हमने 24 तारीख की देखनी हो या इससे पिछली रिपोर्ट देखनी हो, तो फिर उसको देखने के लिए हमने रिपोर्ट, पीरियडिक सेल और पीरियडिक सेल रिपोर्ट। एक चीज मैं दोबारा बताता चलूं कि डेली सेल रिपोर्ट में आपको कहीं पे भी डेट की ऑप्शन मौजूद ही नहीं है कि किस डेट से किस डेट तक, इसलिए इसमें करंट डे की आती है। और यहाँ पे अगर आप जाते हैं पीरियडिक में, पीरियडिक में देखें आपको एक तो इसमें पैरामीटर भी ज्यादा होंगे और इसमें एक्स्ट्रा जो है वो डेट्स है। आप कहते हैं जी मुझे 24 की दिखाओ, वो इसमें सिर्फ और सिर्फ 24 की दिखाएगा। और ये देख लें आप, इसमें सिर्फ 24 की आ रही है। आप कहते हैं नहीं मुझे 23 से लेके 24 तक की दिखाओ, तो आपने डेट पीछे की ओके किया तो ये आपके पास आ गई। आप कहते हैं जी मुझे यकम से लेके तो 31 तक की दिखाओ या 30 तक की दिखाओ, तो ये यहाँ पे ओके करेंगे तो वो यकम से लेकर, क्योंकि इसमें डाटा नहीं है इसलिए नहीं आ रही, 23 और 24 की आ रही है। अच्छा ये तो समरी की रिपोर्ट्स है। आप कहते हैं जी मुझे इसमें से जो रिपोर्ट दिखाओ वो सेल्समैन की दिखाओ, उसके कितना हुआ है, तो आपने यहाँ पे डेट सेलेक्ट की, इंटायर बिल किया। कुछ लोग क्योंकि सेल्समैन को कमीशन महीने के ऊपर देते हैं, तो ये देखिए आप ये अकील का पूरे महीने का, 24 का, 23 का, ये सारों का जितना भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ये टोटल का कमीशन बना, ये इसका बना, तो यहाँ पे आ जाएगा। समरी पे क्लिक करेंगे आपको समरी की आ जाएगी। अच्छा ये जो बटन्स हैं ये आपके सिंगल आइटम्स के ऊपर है, ये जो बिल पूरे बिल के ऊपर सेल्समैन है उसके लिए ये वाला बटन है, और अगर सिंगल आइटम्स के ऊपर होगा हर आइटम के ऊपर फिर ये वाले बटन है, और ये जो समरी है ये भी समरी आपकी उसी सिंगल आइटम्स के ऊपर करती है, चारों बटन आपके सिंगल आइटम्स के साथ है। अच्छा इसमें समरी का एक और बटन है वो भी आप देख लीजिएगा, इसमें सेल रिपोर्ट सुंदर आती है। ठीक है जी, ये तो हमारी थी कस्टमर्स की, हम देखना चाहें तो ये कस्टमर का है, ये हमारा मंसूर है, इसके अगेंस्ट दो बिल बने हैं तो दोनों की डिटेल हमारे पास आ गई। अच्छा कस्टमर्स के बाद बाकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं आप उन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगली चीज भी हम देखते हैं कि हमें ये पता चले कि हमारी स्टॉक की पोजिशन कितनी है। स्टॉक की पोजिशन देखने के लिए हमें सबसे पहले यूटिलिटीज में और पोस्टिंग में जाना पड़ेगा। F9 शॉर्टकट की है हमने, यहाँ से पोस्टिंग का बटन दबाया, ये इसलिए जरूरी है अगर ये पोस्टिंग दबाएंगे तो ये पूरे स्टॉक को रिफ्रेश करेगा, अगर कोई वाउचर आपका पेंडिंग होगा वो आपको बता देगा कि ये वाउचर आपका पेंडिंग है आप इसको पोस्ट कर दें। और इसके बाद जब आपने स्टॉक की पोजीशन देखनी है तो आपने रिपोर्ट्स में जाना है, स्टॉक पोजीशन और प्रेजेंट स्टॉक पोजीशन, इसमें बेशुमार बटन है, इसमें मैं आपको जल्दी जल्दी दो बटन बताते हैं, एक शो करेंगे यहाँ पे, ये बताएगा ये आर्टिकल और ये 35 पड़े हुए, इसमें ये नहीं बता रहा किस साइज के अंदर कितने कितने पड़े हुए, इसके लिए आपको इस वाली साइड पे आना पड़ेगा, शूज गारमेंट्स वाली साइड पे, इसमें बताएगा ये आपका डिजाइन नंबर है, ये 40 में इतना पड़ा है, इसमें इतना, इसमें इतना, टोटल ये इतना पड़ा है, ये टोटल इतना पड़ा है, ये टोटल इतना, तो ये वाली साइड जो है ना ये आपकी शूज की साइड है जो साइज बताएगा, और ये वाली आपको लार्ज बताएगा। सप्लायर वाइज देखना हो तो ये सप्लायर वाइज का बटन दबाएंगे, नहीं यार यहाँ पे आते हैं रीऑर्डर लेवल के ऊपर। अब ये देखें कि ये वो स्टॉक है जो आपके पास या तो जीरो है या माइनस में, तो जिनका रीऑर्डर लेवल दिया होगा वो इस लिस्ट के अंदर आ जाएगा, ये रीऑर्डर लेवल की रिपोर्ट है। स्टॉक के बाद हमारे पास आ जाता है जी कि हमने स्टॉक पोजीशन के बाद क्वांटिटी स्टॉक लेजर है। अगर हमने किसी एक आइटम का लेजर देखना हो कि ये वाला आइटम हमारे पास कब आया, कब सेल हुआ, कब परचेज हुआ, किस रेट पे हुआ, तो उसके लिए फिर हमने क्वांटिटी स्टॉक लेजर की तरफ आना है, और उसमें इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आइटम्स आ जाएंगे, यहाँ पे आइटम्स आ गए, किस डेट से देखना है वो हमने पीछे कर देनी है डेट, और यहाँ पे मुख्तलिफ बटन है, किसी भी बटन पे क्लिक करेंगे आपको रिपोर्ट मिलेगी उसके हिसाब से। हम यहाँ पे कास्ट प्राइस पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो सिस्टम हमें बताएगा कि ये दो मरतबा सेल हुआ है, कोई परचेज नहीं हुआ। हम कोई ऐसा आइटम सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमारे पास परचेज हुआ, दोनों तरफ ऊपर और नीचे वही आइटम सिलेक्ट करना है, डेट देनी है, यहाँ पे ये क्लिक करना है,
और इसमें आप ये देखिएगा कि ये बताएगा कि ये पहले सेल हुआ एक पीस, फिर इसके बाद 23/4/2019 को ये डेबिट हुआ 40 पीस सर्विस वालों से, फिर ये सेल हुआ, अब ये 34 पीस पड़े हैं। तो ये पूरी डिटेल आपको ये बता देगा। इसके बाद है, अगर हमने ये देखना हो कि हमारा ग्रॉस मार्जिन कितना है, तो हमने इसी में स्टॉक पोजीशन में और ये ग्रॉस मार्जिन, इसी के लिए फास्ट और स्लो मूविंग है। ग्रॉस मार्जिन आपके एक्सपेंस को लेस करने के बाद आता है, इसलिए आपने जब भी ये देखना एक्सपेंस डालेंगे तो आपको बेहतर नेट प्रॉफिट तक मिल जाएगा। ये आपकी सेल अमाउंट थी, ये आपकी कास्ट अमाउंट थी, ये आपका मार्जिन और ये प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों ये था शूज के सॉफ्टवेयर की जो मोस्टली यूज होने वाली जो स्टेप्स हैं या डिटेल्स हैं, वो मैंने कोशिश की कि आपको जितना बेहतर हो सके मैं बता सकूं। अब फैसला आपने करना है कि इस वीडियो के बाद आपको कितनी हेल्प मिली इस सॉफ्टवेयर को समझने में और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने में। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हूँ।